ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यार पछताएगा। हो सुंदर शरीर पाने के बाद यदि रोने बैठ गए तो क्या होगा। पाया मनुज तन फिर क्यों रोया, पाया मनुज तन फिर क्यों रोया, मोह माया के मद में तू सोया, मोह माया के मद में तू सोया, पाया मनुष्य तन फिर क्यों रोया, मोह माया के मद में तू खोया, मोह माया के मद में तू खोया। इतना सुंदर शरीर पाने के बाद इस शरीर को अहंकार में बर्बाद ना किया जाए, विरक्तियों में बर्बाद ना किया जाए, भगवान का दुख भजन किया जाए। महाराज कभी अभी बात कहता है, पाया मनुष्य तन फिर क्यों रोया, पाया मनुष्य तन फिर क्यों रोया, पर प्रभु के गुण नहीं गाया, मेरे प्रभु के गुण नहीं गाया, अच्छा पाया तन फिर प्रभु के गुण गाएगा, अच्छा पाया तन फिर प्रभु के गुण गाएगा, अपने हृदय को प्यारे भक्ति में लगाएगा, अपने हृदय को प्यारे भक्ति में लगाएगा, बाद में प्यारे पछताएगा, जब तेरे से पंछे ने बुलाया, जब तेरे से पंछे ने बुलाया, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यार पछताएगा, बोलिए शंकर भगवान की जय। माता जी क्यों मन रहा नाचे, कब गाना खत्म हो गया बीच में, ठेका दे का हो।
भाव भाव की बात हो। बोले शंकर भगवान की जय हो। तो महाराज इस प्रकार से त्रिपुरासुर का वध किया भगवान ने। मन की सदगतियों के विषय में बताया कि हमारा मन तभी सदगति को प्रदान करेगा जब हमारे मन में मोह ना हो। भगवान का एक नाम क्या है? क्या नाम है भगवान का? कृष्ण का एक नाम मोहन है। क्या है बोलो मुंह से? मोहन। मोहन का मतलब मोह नाम। जहां पर मोह ना हो, जिस मन में मोह नहीं रहता, उस मन में मोहन विराजमान रहता। मोहन चाहिए तो मोह को हटा दो, मोहन नहीं चाहिए तो मोहते रहो महाराज जगत में। आज हमारे भोलेनाथ की जो प्रतिष्ठा चल रही है, आज नगर भ्रमण था। कौन कौन गया था जरा हाथ उठाओ नगर भ्रमण में? कोई नहीं गया। अरे नगर भ्रमण था। और सुनिए कल की सूचना, कल ये जो मंदिर आप देख रहे हैं ना, जो आप लोगों के ही सहयोग से बना है। किसका किसका सहयोग है इस मंदिर में, हाथ उठाइए भला। हाँ संकोच क्या लगा, उठाइए जिसका जिसका लगा है। अरे बाप रे, बाकी का नहीं लगा? नहीं लगा तो लगा लीजिएगा, हाथ जोड़ के प्रार्थना है। भले एक रुपया आपका इस मंदिर में लग जाए, पर लगाइएगा जरूर, क्योंकि ये सार्वजनिक मंदिर है। आप लोग लगाएंगे तो हो सकता है आपके बच्चों की आस्था इस मंदिर से जुड़ी रहे, हैं? लगाइएगा। नहीं लगाए हैं तो लगाइएगा। महाराज कल इस मंदिर में भगवान के पंचायत परिवार की प्रतिष्ठा है। क्या है? अभी तक यहाँ हनुमान जी अकेले थे, तो हनुमान जी ने एक दिन फोन किया शंकर भगवान को, कहा कि भोलेनाथ मैं अकेले हूं, बड़े परेशान रहता हूं, महाराज एक काम करो, आप चार पांच लोग आ जाओ। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा लोग कहां से पाए, हम ही आ जा रहे हैं, लोगों को तो टाइम ही नहीं है, तो लोगों को नहीं, हम खुद आ जा रहे हैं। तो महाराज भगवान भोलेनाथ अपने पंचायत परिवार के साथ पांच लोग मिल करके, कौन कौन? भोले बाबा, मैया और गणेश जी, कार्तिकेय जी और साथ में नंदी बाबा, क्योंकि आएंगे कैलाश से आना है तो उतनी दूर चल के थोड़ी आएंगे, तो नंदी बाबा भी साथ में है। तो ये पांचों लोग कैलाश से आ गए हैं, कल इनकी प्रतिष्ठा है। क्या है? प्रतिष्ठा है। कल भगवान को प्राण दान दिए जाएंगे। अभी तक भगवान का अधिवास चल रहा था, फलों से, अन्न से, कुशा से, जल से, धूप से, दीप से। महाराज आज जो है भगवान नगर भ्रमण किए, और जिस जिसने भगवान का स्वागत किया होगा, भगवान उसका उसका घर पहचाने होंगे। नगर भ्रमण इसलिए कराया जाता है कि भगवान पहचान ले कि हमारा भगत कौन कौन है। जब लंका में हनुमान जी गए तो रावण जो है तो सब घुमाया, रावण हनुमान जी को सब घुमाया, और जो जो चंदा दिए थे, देखो जो जैसा चंदा देता है उसे वैसा फल मिलता है। लंका के लोगों ने क्या चंदा दिया था? फटा कपड़ा, मिट्टी का तेल, रहा नगर बसन घृत तेला, घी भी दिया। घी जब खत्म हो गया तो तेल दिया, पर किस लिए दिया? पूंछ में आग लगाने के लिए दिया। पूंछ में आग लगाने के लिए दिया था तो हनुमान जी ने सबकी लंका में आग लगा दी। आप लोग अपनी धर्म व्यवस्था बचाने के लिए, धर्म संस्कार बचाने के लिए दान दोगे तो निश्चित रूप से भोले बाबा आपके धर्म को बचा के रखेंगे, आपके संस्कारों को बचा के रखेंगे। जो जिस लिए दान देता है, लंका पूरी लंका में सब ने दान दिया पर एक ने नहीं दिया। कौन ने? विभीषण जी ने। तो विभीषण की लंका में आग नहीं लगी। तो महाराज इसका मतलब यह है कि विभीषण ने क्या दिया था? धर्मोपदेश दिया था, भक्ति की जानकारी दी थी।
तो महाराज जब भक्ति की जानकारी दिया तो फिर अंत में भगवान मिले, प्रभु श्री राम मिले थे विभीषण महाराज विभीषण को। कहने का तात्पर्य है आप सभी लोगों के सहयोग से ये दिव्य मंदिर बना है। इस मंदिर में कल भगवान भोलेनाथ की प्राण प्रतिष्ठा है और वो प्रतिष्ठा प्रारंभ होगी कल सुबह कितने बजे से? 9 बजे के पश्चात। 9 बजे के पश्चात मुख्य यजमान जी के द्वारा यहाँ पर बढ़िया प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चलेगा। जो माताएं श्रद्धा व्रत होकर, जो पुरुष वर्ग श्रद्धा व्रत होकर आना चाहे तो आएगा सुबह 9 बजे से भगवान के प्राण प्रतिष्ठा में। कहते हैं भगवान की प्राण प्रतिष्ठा यानी प्राण पड़ते समय जो जो लोग रहते हैं भगवान उनके ऊपर बड़ी कृपा करते हैं। महाराज यहाँ पर 9 बजे के पश्चात दिव्य वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा, वैदिक मंत्रों के द्वारा, वैदिक रीति के द्वारा भगवान की प्रतिष्ठा होगी। आप सभी आइएगा। और कल कथा का विश्राम दिवस भी है, सही है ना? विश्राम दिवस भी है तो कल कथा के पश्चात कल कथा में समय लेके आइएगा थोड़ा, क्योंकि कल कथा थोड़ा विलंब होगी क्योंकि यहाँ पर महाआरती होगी। हमारे आचार्यों ने भोलेनाथ की दिव्य महाआरती जैसे बनारस आदि में होती है वैसी आरती यहाँ पर कल आचार्यों के द्वारा होगी। पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो भी उनके पास व्यवस्था है तो आप लोग भी उस महाआरती में रहिएगा और कल आप लोग सब समूचे परिवार के साथ आइएगा। और कल परिवार के साथ आकर के भगवान भोलेनाथ की प्रतिष्ठा सुबह और शाम को कथा में, कथा के बाद महाआरती में रहकर अपने जीवन